4, the deadline is next Monday, sorry, next Sunday, 19th of March, 7 a.m. So you have to read chapter number 3 again. Those who have read it once, make sure you read it again. You have to review all the data science sessions and slides that we have covered till now. All right. Exercise 1 is set operations that we saw in the previous session of the data science. You're given a sample set. You're given two subsets, A and B, three subsets, A, B, and C. And you have to do some operations here. Intersection, union, doing a complement, and then taking a complement and union, things like that. Okay. This thing I didn't explain, but it is expected from you to do a Google search and see how to do this too. Okay. It's not too complex. After that, the next question is a priority question. I think people are still joining. Next question is a priority question. और यहाँ पे आपको ट्री डायग्राम बनानी है. ट्री डायग्राम जिसको नहीं पता, रिवाइज कर लो नोट्स में. मैंने लास्ट टाइम बताया था ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं. ठीक है, ट्री डायग्राम बनानी है, उसके बाद में प्रायोरिटी बतानी है ये दोनों की. ठीक है, दो प्रायोरिटी के क्वेश्चन है. ठीक है, उसके बाद में मैं ये जो सैंपल सेट के बारे में बताया था, प्रायोरिटी के सैंपल सेट के बारे में बताया था कि प्रायोरिटी के जो सैंपल सेट होता है That is mutually exclusive and collectively exhaustive. इसका मैंने मीनिंग बताया था सेशन के वक्त. तो आपको उसका डेफिनेशन लिखना है यहाँ पे और दोनों का एग्जाम्पल देना है. एक एग्जाम्पल से दोनों चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, आफ्टर दैट एक्सरसाइज नंबर 3 इज यू हैव टू बिल्ड अ टैब्ल्यू रिपोर्ट. ठीक है, इस टैब्ल्यू रिपोर्ट के लिए जो डेटा लगने वाला है वो यहाँ पर है. ठीक है, आपको ये कॉपी करना है, आपके ब्राउजर में पेस्ट करना है, फाइल डाउनलोड होगी यहाँ पे. ठीक है, वो फाइल का लोकेशन ध्यान में रखना है बस कहाँ पर है. उसके बाद में आपको आपका टैब्ल्यू में जाना है. ठीक है, जिसने लास्ट टाइम ध्यान नहीं दिया था वो देख लो एक बार. टैब्ल्यू के बहुत लोगों ने सबमिट नहीं किया अभी तक. टैब्ल्यू पब्लिक में जाना है, साइन इन करना है. ठीक है, ओके, साइन इन करने के बाद यहां पर क्रिएट में वेब ऑथरिंग में जाना है. एक ये नया नोटबुक ओपन होगा. ठीक है, सॉरी, टैब्ल्यू का वर्कशीट ओपन होगा. यहां पर अपलोड पे क्लिक करना है और जहां पे आपने फाइल सेव की है वो अभी थोड़ी देर पहले की, वो सिलेक्ट करके ओपन बोलना है. ये फाइल इंपोर्ट हो गई यहां पे. ठीक है, और इसको सेव करना है सबसे पहले. तो कंट्रोल एस से सेव होता है ये सब कुछ. ये सेव हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है सेव होने के लिए. इसको नाम देना है असाइनमेंट 4. ओके, और इसको पब्लिश करना है. ठीक है, सेव हो गया. और यहाँ पर जो डेटा है, ठीक है, बहुत सिंपल है डेटा. ये बहुत सारी चीजें आपको लगेगी भी नहीं. आपको सिटी दिया है, कंपनी दिया है, आईडी दिया है, इंडस्ट्री दिया है, और फिर उसके बाद में कुछ उसके ग्रोथ के वेरिएबल्स है. ठीक है, अगर आप डेटा देखते हो, डेटा देखने के लिए डेटा सोर्स पे क्लिक करना है. ठीक है, यहाँ पर सैंपल डेटा दिखेगा, सारा डेटा नहीं दिखेगा. इसको ऐसे बड़ा करना है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे डेटा दिखता है. ठीक है, स्क्रोल ऐसे राइट स्क्रोल करने से सारे कॉलम दिखेंगे आपको. ठीक है, तो कॉलम नेम्स पहले तो टेबल ये ओपन करके इसके कॉलम नेम समझ लेना है कौन से कॉलम से यहाँ पे. ठीक है, नाम से पता चल जाता है कौन से कॉलम से. फर्स्ट जो अंडरस्कोर से कॉलम शुरू हो रहे हैं उनको इग्नोर करो. ठीक है, जो अंडरस्कोर से नहीं शुरू हो रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दो सिर्फ. आईडी, रैंक, वर्कर्स, अंडरस्कोर मतलब ये वाला साइन अंडरस्कोर. कंपनी, यूआरएल, स्टेट का कोड है यहाँ पे, सिटी है. ठीक है,
रेवेन्यू, मतलब उसका रेवेन्यू कितना है उस पर्टिकुलर कंपनी का, ये सब कुछ है। वो कौन से इंडस्ट्री की कंपनी है, कितने साल पुरानी है कंपनी, या फिर कितने साल के लिए ये 5,000 टॉप 5,000 के लिस्ट में है ये कंपनी, ये सब डेटा है यहाँ पे। ठीक है, आपको शीट पे जाना है ऐसे, और यहाँ पे कुछ विजुअलाइजेशन बनाने हैं। विजुअलाइजेशन कौन से बनाना है वो यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले आपको एक बार चार्ट बनाना है, इंडस्ट्री वाइज डिस्टिंक्ट कंपनी काउंट बताना है, हर एक इंडस्ट्री में कितने कंपनीज है उसका बार चार्ट बनाना है। ठीक है, इंडस्ट्री एक कॉलम है वहां पे। दूसरा, एक हिस्टोग्राम बनाना है रेवेन्यू का, जो रेवेन्यू यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर रेवेन्यू कॉलम है। ये रेवेन्यू कॉलम का हिस्टोग्राम, पीपल आर ज्वाइनिंग लेट, ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम प्लीज। ठीक है, यहाँ पर रेवेन्यू है, रेवेन्यू को आपको हिस्टोग्राम बनाना है। ओके, थर्ड, बार चार्ट बनाना है टॉप 10 कंपनीज बाय रेवेन्यू का। ठीक है, जो बाय रेवेन्यू कौन सी टॉप 10 कंपनीज है उनका बार चार्ट बताना है, और उसमें बताना है कि एवरी कंपनी का रिव्यू रेवेन्यू कितना है, टॉप 5 कंपनी, टॉप 10 कंपनीज का। ठीक है, और फिर एक चौथा डायग्राम बनाना है, आपकी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो आप। रिपोर्ट बनाना तो रिपोर्ट बनाओ, डैशबोर्ड बनाना तो डैशबोर्ड बनाओ। ठीक है, एक अच्छा सा सोच के एक एक रिपोर्ट बनाओ टैबल्यू का। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये कैसे बनाना है? इसका रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा कैसे स्टार्ट करना और क्या करना है। ठीक है, इसको सेव करता हूँ मैं सबसे पहले, अभी सेव, कंट्रोल एस से भी होता है, या फिर ये फाइल में जाओगे तो ये पब्लिश से भी सेव हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट, और यहां पर आपको स्क्रीनशॉट डालने हैं उसके। ठीक है, लिंक डालोगे तो ठीक है, लिंक डालना, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्क्रीनशॉट डालना है उसका। आप जो बनाओगे उसका स्क्रीनशॉट निकाल के भेजना है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है जब आप इसको इसकी कॉपी बनाओगे तब उसमें। ठीक है, मेरे पास सबके लिंक्स पहले से ही है तो मैं ओपन करके देख लूंगा उनके लिंक्स। लिंक डाल दो, जब मैं बोलता हूँ आपको कि सेंड मी योर प्रोफाइल लिंक, ठीक है, तो टैबल्यू का प्रोफाइल लिंक कौन सा है वो बता देता हूँ मैं पहले अभी अभी आपको। ठीक है, अभी ये पब्लिक डॉट टैबल्यू पे गया मैं, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करके माई प्रोफाइल पे जब जाता हूँ तो दिस इज माई प्रोफाइल। अंडर माई प्रोफाइल आई कैन सी वेरियस डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये वाला लिंक होता है आपका प्रोफाइल लिंक टैबल्यू का, इसको आपके रेज्यूमे में भी डालना है आपको। इससे यहाँ पर बना के रखनी बहुत सारी चीजें जो आप रेज्यूमे में शेयर कर सको। ओके, तो दिस इज योर प्रोफाइल लिंक, ये मुझे शेयर करना है आप लोगों ने सबने। ऑलराइट, ये तो हो गई असाइनमेंट नंबर 4 की बात। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि ज्वाइन कैसे करते हैं, सॉरी शुरू कैसे करते हैं टैबल्यू। अगर किसी ने अभी तक नहीं किया होगा तो उसके लिए भी एक एग्जांपल हो गया यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, लेट मी जस्ट सी और क्या रह गया। पाइथन एनीवेयर की एक बात है। ठीक है, पाइथन एनीवेयर का अकाउंट मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों ने क्रिएट तो किया है, लेकिन उन सबके नाम नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे मेरे स्टूडेंट लिस्ट में। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ पाइथन एनीवेयर क्या है। लॉग आउट करता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, पाइथन एनीवेयर का लिंक है, पाइथन एनीवेयर का लिंक यहाँ पर भी दिया हुआ है रिसोर्सेस में। ये देखो पाइथन इन ब्राउजर, पाइथन एनीवेयर। ठीक है, मुझे नॉमिनेट करना है पाइथन फॉर एसपी एज अ टीचर, नॉमिनेट करना है, तो यहाँ पर मैं पाइथन फॉर एसपी, ये मेरा यूजर नेम है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरा डैशबोर्ड है, मेरा पेड अकाउंट है, तो मुझे कितने भी कंसोल्स क्रिएट कर सकता हूँ मैं। ये यहाँ पे कंसोल्स होते हैं, आपको पाइथन का कंसोल बनाना है, अगर दो रहेंगे तो फिर व्यू ऑल में जाके एक कंसोल क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी कुछ कंसोल्स है चालू जो मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, डैशबोर्ड पे जाना है, अगर आपको फाइल बनानी है तो फिर पाइथन की फाइल बनाओ, नहीं तो आप इंटरेक्टिव मोड में अगर करना है तो न्यू कंसोल 3.8 पे जाना है, और ये आपका पाइथन
पाइथन का कंसोल हो गया था यार, 3 + 4, ठीक, पाइथन का कंसोल हो गया, ठीक है। यहाँ पर पाइथन का कोड लिख सकते हो आप लाइन बाय लाइन। अगर आपको पाइथन का कोड एज अ प्रोग्राम लिखना है मल्टीपल लाइंस में, तो यहाँ पर जाओगे, वापस यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, और ब्राउज फाइल्स में जाओगे, यहाँ पर आप एक नया फाइल बनाओगे, ठीक है। आप फाइल कहाँ बनाओगे, कहीं भी बनाओ अभी के लिए, लेट्स से आप फाइल बनाते हो, न्यू फाइल फॉर एक्सपेरिमेंट, डॉट डॉट पाई नाम से सेव करनी है फाइल, याद से डॉट पाई नाम से सेव करनी है फाइल, ठीक है। इसको या तो न्यू एम्प्टी क्लिक करो या फिर एंटर करो, ठीक है, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये फाइल सेव रहती है, इसको बार बार सेव भी करना है यहाँ पे, ठीक। फिर अगर ये फाइल समझ लो यहाँ पे आपने कुछ डाल दिया, इम्पोर्ट पैंडास डाल दिया मैंने, समझ लो, ठीक है। वापस जाने के लिए फिर से इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ब्राउज फाइल्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको नया फाइल दिखेगा, न्यू फाइल फॉर एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी क्रिएट की, उस पर क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको रन करने के लिए यहाँ पे रन बटन होता है, रन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये रन हो जाती है पूरी फाइल, पूरी फाइल अभी रन हो गई, यहाँ पे समझ लो मैंने कुछ प्रिंट डाल दिया। ठीक है, ये देखो प्रिंट हेलो हो गया यहाँ पे, ऑलराइट। तो इस तरह से पाइथन की फाइल बननी है पाइथन एनिर में, अगर आप पाइथन में फंक्शन प्रोग्राम कर रहे हो तो, ठीक है, ये प्रोग्राम के लिए है। ऑलराइट, सो ये तो हो गया पाइथन एनीवेयर का, कैसे बनाना है सबको पता है। आपको जब मुझे एज अ टीचर नॉमिनेट करना है तो डैशबोर्ड पे जाओगे, अकाउंट में जाओगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन में जाओगे और यहाँ पर आपको टीचर का नाम डालना है, ठीक है। टीचर का नाम क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है, Python 4 SP, ये टीचर का नाम है, ये नॉमिनेट करना है सबको, ठीक है। मुझे सबके डैशबोर्ड दिख जाएंगे यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है पहले ही, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं किया है तो वो लोग करो वैसा, ठीक है। दैट वाज अबाउट पाइथन एनीवेयर। पाइथन एनीवेयर में ट्रिंकेट का जो कोड है टर्टाइस का वो चलेगा नहीं, क्योंकि टर्टाइस का जो कोड है उसकी जो लाइब्रेरी है टर्टल नाम की, सॉरी वो टर्टल नाम की लाइब्रेरी जो है उसके जब हम वो रन करते हैं तो विंडो क्रिएट होती है एक, और ये सब कुछ पाइथन एनीवेयर पे आप विंडो क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसमें टर्टल का कोड नहीं चलेगा, लेकिन आपके जो बाकी के कोड है, इसलिए मैंने टर्टल के कोड के लिए आपको ट्रिंकेट बताया था, लेकिन ट्रिंकेट में प्रॉब्लम क्या है, आप Python 2 में लिख रहे हो कोड वहां पे, तो यहाँ पर Python 3 और सारे वर्जन आ जाते हैं, तो आप ये यूज करोगे लॉन्ग टर्म, ठीक है। अभी तक पाइथन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आप सबके असाइनमेंट्स यहाँ पे दिखते हैं तो मुझे वो देखना रहता है, ठीक है। ऑलराइट, ये तो हो गया पाइथन एनीवेयर का, यहाँ से लॉग आउट करता हूँ मैं। असाइनमेंट सबमिशन, बहुत लोगों ने सबमिशन किया नहीं असाइनमेंट, वो भी बता देता हूँ। असाइनमेंट सबमिशन आपको यहाँ करना है, ठीक है, यहाँ पर करना है, या फिर आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हो, जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा है मुझे पहले डायरेक्ट मैसेजेस, ठीक है। एक तो यहाँ करना है असाइनमेंट सबमिशन में, नहीं तो डायरेक्ट मैसेजेस डालना है। यहाँ पे करोगे तो अच्छी बात है ज्यादा, क्योंकि सब लोग आपके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये तो हो गया, और असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको फाइल में जाके मेक अ कॉपी बोलना है, आपकी खुद की कॉपी क्रिएट होगी उसमें असाइनमेंट करना है। इसके एडिट एक्सेस आपके पास नहीं है, यू कैन नॉट एडिट दिस फाइल बिकॉज इसका सिर्फ व्यूइंग एक्सेस दिया है मैंने आपको, आपको मेक अ कॉपी करना है या फिर डाउनलोड करना है उसको वर्ड फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में डाउनलोड करो और फिर अपने पास वर्ड में एडिट करके मुझे शेयर कर देना फाइल, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, या तो आपको मेक अ कॉपी करना है या फिर उसको डाउनलोड करना है वर्ड में। लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, स्टॉप रिकॉर्डिंग दिस, ये रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ बाद में।